सर इसमें मोनेटाइजेशन आप खुद ही हो, क्योंकि आप पहले दिन से ही कमा सकते हो अगर आप स्किल जानते हो। कम से कम आप नहीं भी बोलोगे तो 50 लाख तक मैंने कमा लिया। 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब में ही बर्बाद किए मैंने। कि मान लीजिए कोई बंदा अगर फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगी? मेरे दोस्त आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कैसे शख्स हैं जिनके पिता ने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने YouTube पे 2 से 3 साल मेहनत किया लेकिन चलो ग्रो नहीं हुई। फिर इन्होंने फ्रीलांसिंग का सहारा लिया और आज फ्रीलांसिंग से इन्होंने इतना ज्यादा पैसे कमाया कि आप देखकर दंग रह जाओगे। और आज ये रूस में जाकर शादी किया और आज रूस से ही आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इनकी जिंदगी से आप सीख पाओगे कि जिंदगी में सफल कैसे होते हैं और फ्रीलांसिंग करके भी पैसा कैसे कमाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका सपना है यूट्यूब से पैसे कमाने का और जिंदगी में कुछ हासिल करने का तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपके चैनल का क्या नाम है? सर देखो, मेरा नाम है भागीरथ और मैं इंडिया में हैदराबाद से एक छोटे से गांव से हूँ। शायद उसका नाम भी मुझे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था वहाँ पर कोई खाने की इतना मतलब किल्लत थी हमारे गांव में और घर पे भी, बिकॉज पापा के पास इतने पैसे होते नहीं थे ना जॉब थी। तो मुश्किल से कुछ 800-900 रुपये महीने के कमाते थे और उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। और तो जब कम से कम 5 से 6 साल तक, जब मैं 5 से 6 साल का हुआ तब तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, कहीं गांव के स्कूल में भी नहीं गया। बहुत रीज़न है उसके, एक ही रीज़न नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। पैसे का भी दिक्कत है और हमारी जो है कास्ट का भी प्रॉब्लम हो रहता है, तो मैं नहीं पढ़ पाया किसी कारण से। तो ये हुआ मेरे साथ कि पापा की नौकरी लगी आर्मी में एज अ सिपाही। तो उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हुई जब मैं गांव से थोड़ा सिटी में के साइड पे आया था। ये तो अभी आप बेसिकली कहां से बातें कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा हमारी ऑडियंस की बताइए कि आप बेसिकली प्रेजेंट टाइम पे हो कहां से? हाँ देखो, मैं अभी फिलहाल रूस में हूँ और पिछले 2-1.5 साल से मैं यहाँ पर हूँ। अगर देखा जाए तो 2 साल से हूँ, बट 1.5 साल से मैं मतलब यहीं पर बसा हूँ, इंडिया नहीं आया हूँ 1.5 साल से। तो अभी ये मेरा यहीं पर सारा काम चल रहा है ऑनलाइन। अभी जो इनकी अर्निंग का सोर्स है ना, वो देखिएगा आप कि इन्होंने घर बैठे कैसे पैसे कमा रहे हैं रूस में, लेकिन पैसे कमा रहे हैं इंडिया से और फ्रीलांसिंग करके। देखिए बहुत से लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब के जरिए भी बहुत से बड़ी फील्ड है जहां पे आप ऑनलाइन करके पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा, वीडियो लंबी होगी लेकिन टाइम देके सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या पता कि आपकी जिंदगी बदल जाए, आपके सोचने का तरीका बदल जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा इनके जर्नी के बारे में बात करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो जरा सा आप ये बताइए कि जब आप हैदराबाद से जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस बीच आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई? देखो सर, सबसे पहली बात तो मैं बहुत ही एवरेज का भी नीचे हूँ, मतलब मेरे को वैसी पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसका रीजन ये है कि मैं जब 5-6 साल तक जब कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ता, तो उसको वैसे ही इंटरेस्ट नहीं आता किसी चीज़ में, बस खेलने को छोड़ के, कूदने को छोड़ के और किसी में इंटरेस्ट नहीं था। तो पढ़ाई करने के लिए बहुत मतलब जंप किया मैंने, जैसे 5-6 साल मैंने पढ़ाई नहीं की थी जैसे मैंने आपको बोला था। उसके बाद आपको पता है कि बच्चा नर्सरी में जाता है या किसी में जाता है, मैं तो उसमें गया नहीं, तो डायरेक्टली मेरे को जैसे हायर जंप करवा दिया कि भाई थोड़े बड़े क्लास में पढ़ लो। लेकिन जब मैं बड़े क्लास में पढ़ा तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, तो मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके हो गया पास, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने आके रिक्वेस्ट किया तो पास हो गया जैसे तैसे 7th-8th तक। लेकिन जब मैं 9th में आया सर तो मैं 2 बार फेल हो गया। अब 2 बार फेल हो गया तो हालांकि मैं खेलने कूदने में अच्छा था, जैसे फुटबॉल में खेलता था, तो उसकी वजह से मेरे पापा ने जब रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरे बच्चों को पास कराओ, ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बात मान के, वो तो दया है प्रिंसिपल की, कि बात मान के 9th class से 10th class में कर दिया। और 10th class में भी मैं इसलिए पास हुआ क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का पर्सन था, वरना तो मेरे मार्क्स तो ऐसे है कि कोई 10th तो छोड़ो, मैं 8th class भी पास होने लायक नहीं हूँ उस टाइम। तो जैसे तैसे मैंने कर दिया। लेकिन जब बात आई 11th की, तो 11th का जो है थोड़ा रूल सिस्टम अलग रहता है, तो उसमें ऐसे पास नहीं कर सकते, वो बोर्ड के हिसाब से होता है। तो उसमें तो मैं 2 बार फेल हुआ, पहली बार फेल हुआ तब तो पापा को गुस्सा आया
चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला चलो एटलीस्ट अगली बार कर लेना, क्योंकि उनको पता है कि भैया बच्चा ये तो पढ़ने में वैसे ही बेकार है, इसलिए चलो ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब फेल हुआ तो उनको इतना गुस्सा आया कि जब मैं टीचर के पास, हम लोग जब जा रहे थे जिस दिन हमारा रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो उसी दिन उन्होंने बेल्ट निकाल के मुझे सबके सामने मारा, क्योंकि मैं मतलब कोई काम का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, दो बार फेल हुआ और मतलब उनको लगा कि मैं बिल्कुल नल्ला हूँ, कोई काम का नहीं हूँ। तो वो आपके पिताजी कॉलेज में सबके सामने मार दिए वो, हाँ मतलब सबके सामने मार दिए, और क्या करना था, उनको तो गुस्सा आ गया था उनको, क्योंकि मैंने बचपन से उनका लॉस ही करवा रहा था हर चीज़ में, एटलीस्ट उनके कहना भी नहीं मानता हूँ और ना पढ़ने में अच्छा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है, और कुछ हद तक सही भी है, मैं तो मानता हूँ कि हाँ होता है, लेकिन मैं, मेरे को जब आता ही नहीं, पढ़ना लिखना आता ही नहीं, तो मैं कैसे पास हूँ, तो ऑब्वियसली सबके सामने मारा मुझे। अब जरा साहब ये बताइए कि आपकी अर्निंग का जो स्ट्रगल स्टोरी रहा है, मतलब कैसे आपने पढ़ाई के साथ आपने ऑनलाइन अर्निंग पे शिफ्ट हुआ, कैसे क्या जर्नी रही आपकी? देखो सर, ऐसा है कि मेरे को पैसे कमाने की जुनून थी, ये तो है, चाहे मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, चाहे कुछ और चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, पैसे कमाने में इंटरेस्ट इसलिए है, बिकॉज देखो जब अगर लोअर फैमिली मिडिल क्लास है आपकी फैमिली, तो ऑब्वियसली आपके पास एक ही चीज़ प्रॉब्लम होती है, वो है पैसे की, ठीक है। तो अब पैसे कमाए कैसे, अब लोगों, बहुत लोग तो ये बोलते हैं भाई जाओ मजदूर करो, जाओ ये करो, जाओ खेती बाड़ी करो, बट उसमें इतना पैसा आता है कि बस आपका सिर्फ खाना निकल जाता था। तो मुझे बड़े सपने थे कि हमें, मेरे को ऐसा जिंदगी जीना है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक घर बनाऊं, उनको अच्छे से रखूं, उनको दुख दर्द से दूर करूं। अब उसके लिए चाहिए बड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा। अब ज़्यादा पैसा चाहिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा क्या करें हम भाई, मैं 11th 12th में था उस टाइम, मतलब मैं आपको बताया जैसे फेल हुए हो रहा था, उसी टाइम मेरा माइंड में था कि बड़ा कैसे करें। तो किसी बंदे ने, या पता नहीं कहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि यूट्यूब से आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। उस टाइम शायद मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है, टेक्निकल गुरु से भी पहले कोई एक यूट्यूबर थे, उनसे भी पहले कोई एक यूट्यूबर है जो उस टाइम फेमस थे, तो उनका वीडियो देख के मतलब लोग बोलते थे अरे यार ये टेक्निकल लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, भागी तू भी ट्राई कर ले तो तेरे को भी बहुत पैसा मिलेगा। तो लेकिन ये नहीं पता एडसेंस कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वीडियो डालो, और जब एक बार वीडियो डल गई तो मतलब आपको पैसा ही पैसा है, जितना वीडियो डालोगे उतना पैसा है। तो मैंने भैया वो 3-4 साल, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ, 3-4 साल में मैंने करीब करीब 100 चैनल खोले, और उन 100 चैनल में इतना वीडियो डाला, मतलब किसी में हंसने का, किसी में रोने का, गाने का, मतलब हर चीज का, हर कैटेगरी जो आप लोग आप देखते होंगे, जो लगा आपको, हाँ, सब डाले, कुछ भी बना के, मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को तो ये पता था ना कि भाई वीडियो डालो बस पैसा कमा, मेरे को लगा मैं तो करोड़पति बनूंगा क्योंकि भाई इतने सारे वीडियोज डाल दिए हैं। लेकिन आप ये समझ लो, मेरे लिए अच्छा ही मान लो या खराब मान लो मुझे नहीं पता, बट एक भी वीडियोस में 100 से व्यूज ऊपर नहीं गए थे, एक भी वीडियो में 100 व्यूज से भी ज्यादा नहीं गए थे। और मैंने उस ये पूरा समय 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ही बर्बाद किए मैंने, 3-4 साल। और वो बर्बाद होने के बाद भाई मुझे पता चला कि हमें या तो एक ही बात है, या तो मतलब घर वालों को पता चल गया था कि ये 3-4 साल बर्बाद कर रखा है। किस चीज़ में बर्बाद किया उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं उनको YouTube क्या पता है, उनको पता ही नहीं YouTube क्या होता है, कुछ नहीं उनको, तो बस इतना लगा कि 3-4 साल तो बर्बाद किया। पापा ने एक ही चीज़ बोली, तू नल्ला है, कोई काम का नहीं है, तो इसलिए या तो एक काम करो घर पे बैठे रहो या फिर घर से बाहर निकल जाओ, दो ही ऑप्शन था मेरे पास। तो अब दो ऑप्शन जब बचे तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ था, या तो कुछ करना है भाई या तो फिर घर से बाहर निकलना है। तो मैंने भाई पहले तो दुकानों में काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे से हुआ नहीं, और उसमें पैसा इतना भी नहीं था, तो कोई किसी ने मेरे को ये नहीं समझा कि मैं यूज़फुल हूँ उनके लिए, कि मैं उनका काम कर दूंगा, ऐसा लगा नहीं उनको, क्योंकि मैं कमज़ोर था काम में भी, मेरे से काम होता नहीं था, बहुत रीज़न थे उसके, बहुत प्रॉब्लम्स थे, मेरे फिजिकल कंडीशन भी सही नहीं थी उस टाइम। फिर एक बार एक बंदे ने मेरे को बताया कि भैया अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें फ्रीलांसिंग करना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम्हें फ्रीलांसिंग करना चाहिए। तो फ्रीलांसिंग करना होता क्या है वो सीखने के लिए मैं गया था कैफे, जो होता है ना जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहाँ जाके मैं सीखा फ्रीलांसिंग होता क्या है, किसी और से पैसा लेके उधार, जैसे दोस्त होते हैं वहाँ से पैसा उधार लिया, घर वाले तो देते नहीं थे वैसे थे ही नहीं, तो पैसे उधार लेके मैं वहाँ पर कंप्यूटर में वीडियो देखता था कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है। देन सर मैंने सीखा, उस टाइम बड़ा क्रेज चल रहा था ब्लॉगिंग का, एप्स का,
एप्स कैसे बनाया जाता है, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, ब्लॉगिंग कैसे, मतलब इन फील्डों में सबसे ज़्यादा स्कोप था उस टाइम पे। अभी भी है बट उस टाइम बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत जल्दी वेबसाइट रैंक होती थी या बहुत जल्दी वेबसाइट अच्छा खासा ट्रैफिक आता था और अर्निंग भी होती थी। तो मैंने उस टाइम कंपटीशन भी कम था। हाँ उस टाइम कंपटीशन बहुत कम था सर, आप कुछ भी बनाओ, आप तो कॉपी पेस्ट भी करो उस टाइम तो भी आपको मतलब पैसा आ जाता था उस टाइम। हालांकि मुझे नहीं पता कि कॉपी पेस्ट इलीगल होता है या सही नहीं होता, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ मतलब है, पैसा चाहिए हूँ बस। तो वो मैंने पैसा चाहिए, तो मैंने जैसे तैसे करके ब्लॉगिंग और ऐप्स बनाना सीख लिया, जो कि मैंने 6 महीने के अंदर वेबसाइट्स कम से कम 50+ वेबसाइट बनाई, 2 से 3 ऐप्स बनाए खुद के दम पे और उनको सेल किया मैंने फ्रीलांसर वेबसाइट में रजिस्टर करके, जैसे freelancer.com हो गया, फाइबर में हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पर प्रोफाइल बना के क्लाइंट्स ढूंढ के उनको ट्रस्ट दिला के अपने सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे वो मैंने सेल किए, वहाँ से मेरे को अच्छा खासा पैसा आया। ये 1.5 साल के अंदर अंदर ही बहुत पैसा मैंने छापा, अगर उस एज के हिसाब से मैं बोलूँ तो। और ये सब फ्रीलांसिंग करके ही आपने इतना ज्यादा पैसा कमाया? बहुत, मैं बोलता हूँ कि मैं जितना लोग को जानता था उस टाइम पे कोई भी उसके आसपास का फिगर भी नहीं, यहाँ तक कि जो मेरे पापा की एज के थे कोई भी इतना नहीं कमाता था। हालांकि अभी के हिसाब से तो वो कम है बट उस टाइम के हिसाब से वो सही अमाउंट मैंने कमाया। हाँ फिर वो अमाउंट मैंने जब कमाया तो फिर मेरे के अंदर एक घमंड आ जाता है, आपको पता है जब किसी के पास कोई छोटा सा मतलब लेवल पे अचानक अगर वो कम टाइम पे ज्यादा पैसे कमा ले तो उसको समझ में नहीं आता कि उसको पैसे कैसे यूज करना चाहिए या पैसे कहाँ यूज करना चाहिए। सही बात है। तो मुझे थोड़ा घमंड आ गया था कि मैं चलो इतना पैसा आ गया, हालांकि वो इतना नहीं था लेकिन फिर भी मेरे को लगा इतना, और मैंने उसको मतलब अब क्या किया जाए, मैंने फ्रीलांसिंग काम उस टाइम छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए और मैं ट्रैवल करने निकल गया। तो जब मैं ट्रैवल करने निकल गया तो मैंने ट्रैवल करने निकल गया था उसके बाद। अच्छा जब आप ये ट्रैवल करने गए थे तो आप फ्रीलांसिंग से कितना कमाए थे, थोड़ा सा कंफर्टेबल और नियर अबाउट कितना? सर उस टाइम मैंने करीब 10 लाख के आसपास कमाया था, रेवेन्यू बता रहा हूँ। 1 से 1.5 साल के अंदर? 1.5 साल के अंदर। देख रहे हो कि फ्रीलांसिंग करके 1.5 साल के अंदर इतना ज्यादा पैसे कोई कमा सकता है? ये आप लोग भी देखिए, आप लोग भी कमा सकते हो फ्रीलांसिंग से। अभी इनकी अर्निंग सोर्स कितना ज्यादा है मैं बताता हूँ, पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया, कैसे आपको भी फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना है, कैसे आप कमा सकते हो, इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल 0 से आपको बताएंगे। अब जब आप ट्रेवल करने गए तब उसकी जर्नी क्या हुई? सर मैं ये मानता हूँ कि मतलब ये ट्रैवल स्टोरी बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक बार, अगर आप इंडिया से भी हो कहीं से भी हो या कहीं भी रहते हो अभी, आपको अपने देश को एक बार तो घूमना बनता है। अब उसका कारण मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी की वजह से आपको समझ में आएगा क्यों। अगर आप जैसे आपकी एज 19, 20, 17 से लेके 21-22 साल है तो आपको ज़रूर घूमना चाहिए। मेरी जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का वो मेरे ट्रैवल की वजह से ही हुआ है, आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ। हालांकि फ्रीलांसिंग तो चलो मैंने काम किया लेकिन जो मेरी टर्निंग पॉइंट है लाइफ का वो मेरा ट्रैवल के वजह से हुआ। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। जब मैं पैसे जब मेरे पास 10 लाख के आसपास आ गया था तो मैंने उस पैसे को यूज़ किया ट्रैवल करने को, क्योंकि मुझे घूमना भी पसंद था। बट पहले मैं नहीं घूम पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, उस टाइम पैसे थे तो मैं घूमना स्टार्ट किया। और जब मैं घूमते 2017-18 की बात है, जब मैं अपनी वाइफ से मिला उस टाइम, और जब मैंने मिला तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम 3 महीने घूमेंगे। हालांकि उस टाइम वाइफ नहीं थी, वो मेरी एज अ फ्रेंड थी, एज अ फ्रेंड हम लोग घूमे 3 महीने, पूरा इंडिया घूमा हमने। तो आपकी वाइफ रूस इंडिया आई थी घूमने? यस, रूस से इंडिया आई थी, हम लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू मिले थे। और हम, और ताजुब की बात ये की कि उसको इंग्लिश नहीं आता था और मुझे उसकी बात, मेरे को भी इंग्लिश नहीं आती थी, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, मेरे को हिंदी आती थी। हाँ अब आप सोचो मैंने कैसे बात किया होगा, वो अपनी भाषा में बात करती थी, मैं हिंदी में बात करता था। ये हमारी 3 मंथ, हाँ 3 महीने में यही हुआ। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ना? अरे सर मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ तो वो कुछ और समझ जाती थी। तो हाँ लकीली ये था कि मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट था तो हो जाता था हमारा काम जैसे तैसे, बट वो होती है ना सर, देखो एक मुँह से बात किया जाता है और एक गूगल ट्रांसलेट, वो अलग चीज़ है। तो 3 महीना मेरा ऐसे ही जैसे तैसे हमने गुजारा, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से समझ गए कि भाई कैसे क्या होता है। और जब मैं घूमा
सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब मैं घूमा तो इतने लोगों से मिला, मैं इतने सक्सेसफुल लोगों से मिला मैं ट्रैवल करते करते, उन्होंने मेरे को इतना चीज़ें सिखाई लाइफ के बारे में कि मेरे को लगा था कि 10 लाख कमा लिया बस यही है एंड लाइफ का यही है गोल और ख़त्म, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गए सक्सेसफुल। बट जब मैं ट्रैवल किया तब मेरे को पता चला कि लाइफ में लोग कैसे कैसे लोग मिलते हैं और क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, वो सिर्फ ट्रैवल करके ही मिल सकता है आपको। जब आप ट्रैवल करोगे तभी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और मैंने उसको एज अ एक्सपीरियंस ले लिया अपने अंदर। वो 3 महीने ने मेरे लाइफ चेंज कर दी, और लाइफ चेंज होने के बाद मेरी लाइफ स्टोरी तो चल रही थी, बट अब वही बात है, अब 3 महीने बाद तो पैसे खत्म हो गए मेरे, तो पैसे खत्म होने के बाद वो अपने देश आ गई और मैं अपना घर आ गया। अब मैं वापस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के साथ आ गया था इस बार मैं और ज्यादा जुनून के साथ आया कि हाँ अब मेरे को कुछ ऐसा करना है जो कि सिर्फ 10 लाख या ऐसी इस पे नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए और मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए मेरी कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, मेरे नज़र में, किसी को दिखाने के लिए नहीं बट मेरे को मेरी नज़र में वैल्यू होनी चाहिए। फिर मैंने वापस से जो है काम स्टार्ट किया फ्रीलांस में, इस बार और मेहनत किया मैंने, और ज़्यादा मेहनत किया, और मैंने इस बार कम से कम आप समझ लो जितना मैंने पहले कमाया था उसका 1.5 गुना मैंने ज़्यादा कमाया उतने ही टाइम पे, मतलब कि 20 से 25 लाख के आसपास कमाए होंगे, 30 लाख नहीं 30 तो नहीं 20 हाँ। लाख के आसपास मैंने कमा लिया, 20-22 लाख के आसपास मैंने कमा लिया उतने ही टाइम पे। और उसके बाद मैंने कमाते कमाते मैंने अपनी खुद की टीम बनाई, और वो टीम मेरे लिए काम करते थे, मैं सिर्फ बॉस था। मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट उठाया और अपने अपनी टीम को दिया, उन्होंने काम किया मेरे लिए, और मैं बस बैठे बैठे कमाता था, बिकॉज मैंने जो रिलेशन बनाया था, जो मेरी कन्विंसिंग थी अपने क्लाइंट के साथ, वो बहुत बढ़िया थी। फिर मैंने उसी फील्ड उसी कन्विंस जो करने का तरीके को बेटर किया कि सामने वाला कैसे कन्विंस किया जाए, ये मैंने सीखा बहुत यूट्यूब के थ्रू कि कैसे कन्विंस किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोला जाता है। और मैंने और प्रोजेक्ट्स उठाए और प्रोजेक्ट किए और प्रोजेक्ट किए और प्रोजेक्ट किए, करते 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 मेरा कम से कम आप नहीं भी बोलोगे तो 50 लाख तक मैंने कमा लिया उसके बाद। 50 लाख ये उसके बाद, हाँ उसके बाद की बात है, 22 लाख के बाद भी मैंने और 50 लाख कमाया है, क्योंकि आप अगर अकेला काम करोगे तो आप सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट कमाओगे, लेकिन अगर आप टीम के साथ काम करोगे तो आप उसका 2-3-4 गुना भी कमा सकते हो इजीली। हाँ तो उसके बाद फिर मेरे पास एक आइडिया आया कि देखो अब मैंने तो कमा तो लिया, लेकिन इस पैसे को कैसे इस बार इस्तेमाल करें जो कि पिछली बार की तरह मेरा नुकसान ना हो। 10 लाख जो मैंने बर्बाद किए थे, हालांकि बर्बाद नहीं बोलूंगा बट मेरे तो हो गए थे खर्चे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अब उसको 50 लाख जो कमाया उसको कुछ किया जाए। फिर मेरी जो वाइफ है, जो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि आप एक काम करो, रशिया आओ, यहाँ घूमो, यहाँ देखो, क्या पता आपको यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि मैं तो वैसे ही ऑनलाइन काम कर रहा था तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं थी कि इंडिया में ही रह के काम किया जाए। तो मेरे लिए एक पॉइंट, वही कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरे लाइक मेरे को लगता है कि मेरे जो भी सक्सेस का राज ये मेरी बीवी ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरे को बस अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मैं आया यहाँ, ट्रैवल किया, मैंने अकेला ट्रैवल किया, खुद के पैसे से ट्रैवल किया, कोई किसी का जानकारी मुझे नहीं पता, कैसे क्या घूमना होता है, कैसे बात करना होता है, लैंग्वेज कुछ भी नहीं पता, मैं उड़ के आ गया जैसे तैसे उड़ के आया। हाँ उड़ के आने के बाद मैं सीधा गया बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी इंडियंस रहते थे उनसे बात किया, मैंने बात करने के बाद उनके बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया, और सबके बिजनेस से मैं 1% का प्रॉफिट अभी भी लेता हूँ। आपने जो पैसा कमाया उसे टोटल कमाया था 50-70 लाख, वो जाके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया आपने? हाँ इन्वेस्ट कर दिया मैंने, और वहाँ से 1% प्रॉफिट में उनके 1% हिस्सा आपने लिया? बिल्कुल हाँ, अब मेरे को लाइफ टाइम जब तक वो बिजनेस चल रहा है वो 1% मुझे उनका जो भी मंथली का रेवेन्यू होता है उसका 1% मुझे मिलेगा। तो अभी ब्लॉगिंग करते हो या फिर और कुछ करते हो? बिल्कुल अब तो मैं सर बहुत चीज़ें करता हूँ, ब्लॉगिंग और ये ऐप्स बनाना तो मैंने छोड़ दिया तो नहीं बोल सकते हो, बट वो मेरी टीम करती है, मैं सिर्फ ऊपर का देखता हूँ कि जब प्रोजेक्ट बन गया तो चेक करता हूँ कि बढ़िया बनाए कि नहीं बस। हम मैं दूसरे फील्ड में घुस रहा हूँ धीरे धीरे और चीज़ें सीख रहा हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग में ही, और अपना स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ ताकि और बेटर बनूँ इस चीज़ में। अच्छा भाई आपके पास कुल टोटल कितने टीम हैं? सर मेरे पास सिर्फ 10 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और सब लोग वर्क फ्रॉम होम है, किसी कोई ऑफिस नहीं खोला मैंने आज तक।
आप वहीं रूस से हैंडल करते हो, बाकी सब इंडिया से अपने घर से ही काम करते हैं? मैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से बस उनको वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होता हूँ और वो लोग वहाँ से सारा चीज काम मेरा कर देते हैं। अब जरा साहब ये बताइए, देखिए बहुत से लोग, देखिए ऑनलाइन अर्निंग आपने किया है और आपने यूट्यूब पे भी ट्राई किया और फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे कमा रहे हो, आपने बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, तो आप जो भी बताओगे अपने एक्सपीरियंस के दावे के साथ बताओगे, अपनी जो एक्सपीरियंस है अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताओगे, तो ये जरा सा बताइए कि मान लीजिए कोई बंदा अगर फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी? देखो सर, फ्रीलांसर के लिए सबसे पहले ये है कि देखो फ्रीलांसिंग में आपको पैसा तो खूब है लेकिन आपको पहले दिन कभी नहीं मिलने वाला, ना आपको प्रोजेक्ट मिलेगा ना आप, क्योंकि आपको कुछ स्किल आता ही नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको स्किल सीखना, आपको मार्केट के हिसाब से स्किल सीखना है कि अभी मार्केट में कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जिस टाइम पे मैंने किया था फ्रीलांसर उस टाइम पे ब्लॉगिंग और ये ऐप्स बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सबसे ज़्यादा डिमांड में था। आज के डेट में डाटा में, अगर डाटा साइंस में है और AI में है, ठीक है, और SEO में है, डिजिटल मार्केटिंग में, इसके स्किल्स में अगर आप फोकस करोगे आज से, मतलब इस टाइम से, तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, क्योंकि मेरी ग्रोथ में टाइम लग गया था, बट आप लोग की ग्रोथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्पेशली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे, जो कि सबसे आसान है और जल्दी सीख सकते हो आप, और इसमें पैसा भी बहुत है। हाँ सर, बहुत पैसा है, सारी कंपनियों को चाहिए जो उनके वेबसाइट को प्रमोट कर सके या बढ़िया बना सके, तो ये तो डिमांड में है सर, बिल्कुल, और कोई भी कर सकता है, जो भी जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो क्या उसमें ID बनाना पड़ता है या फिर कैसे सीखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? देखो सर, फ्रीलांसर में ऐसा है कि जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो तो आप किसी को जानते नहीं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट देगा भी नहीं, तो आपको इसके लिए सीधा वेबसाइट चूज करना होता है, जैसे freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया है, फाइबर हो गया है, उन पे रजिस्टर करना है, फ्री अकाउंट फ्री होता है, रजिस्टर का कोई पैसा नहीं लगता, तो वहां जाके आप रजिस्टर करो, अपने प्रोफाइल बिल्ड करो, और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है किसी के लिए या नहीं भी किया तो आप कोई प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट डालो कि मैंने ये काम किया है, आपके एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हाँ भाई आपने क्या काम किया, क्या रिजल्ट दिया है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोफाइल बनाने से देखने में अट्रैक्टिव लगे, हाँ आपको प्रोफाइल बनाने से आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अगर वो पोर्टफोलियो होगा दिखेगा लोगों को, हाँ यार कुछ कर किया हुआ है, तो ही वो आपको हायर करेगा। ये अच्छा, मान लीजिए जो क्लाइंट आया, तो कोई भी नया क्लाइंट आया तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड करेंगे या फिर क्लाइंट डिसाइड करेगा पैसा? सर देखो, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको स्टार्टिंग में, अगर मैं ये मानता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आपको कोई फ्री में भी करवाता है पहला प्रोजेक्ट तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, उससे आपको उस क्लाइंट का रिव्यू मिलेगा आपके प्रोफाइल पे, उस क्लाइंट का कॉन्टैक्ट रहेगा आपके पास, और अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा बना के दिया तो वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोजेक्ट देगा, और धीरे धीरे आप फिर अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा मांग सकते हो, कोई बात नहीं, अगर पहले कम भी मिलता है या फ्री में भी करना पड़ता हो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बेहतर करोगे ना तो उसकी आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा किसी ना किसी, अगर आपने बेस्ट किया तो आप ये मत सोचो कि पहले दिन से मुझे लाखों रुपए कमाने, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर आप पहले दिन से कमा सकते हो लाखों रुपए, अगर आप ऐसा फील्ड चूज भी कर लेते हो, अगर कोई है भी स्कीम, तो उसमें अगर एक दिन दो दिन दस दिन कमा लोगे उसके बाद नहीं कमा पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फोकट में नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बात तो आपने बहुत सही कही, देखिए ये बहुत गहरी बात है, और कुछ भी चीज़ दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती, जैसे एग्जांपल में देखिए, हम लोग अगर ऑक्सीजन पी लेते हैं तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक, भगवान ने भी ये नियम बनाया है कि कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, तो ये जो अर्निंग होता है ये अर्निंग इंडिया के पैसे के अनुसार मिलता है या फिर जिस देश से क्लाइंट है उसके अनुसार मिलता है? सर वो डिपेंड करता है कि अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू अगर वेबसाइट्स के थ्रू आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो आपको डेफिनेटली, अगर दूसरी कंट्री से है तो वो डॉलर्स में आएगा, बट वो वेबसाइट जो जहां पर आप रजिस्टर करोगे वो आपको इंडियन रुपीज में देगा पैसा, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि इंडियन रुपीज़ में नहीं मिलेगा, इंडियन रुपीज़ में ही मिलेगा, और अगर आपको डॉलर्स में भी लेना है तो कोई इशू नहीं है, पेपाल में अकाउंट खोल लो और क्लाइंट जो है आपको पैसा भेज देगा, तो उतना कोई बड़ा रिस्क वाला काम नहीं है, आराम से हो जाता है सारा। ऑल टोटल इसमें ये करना है फ्रीलांसिंग में कि अपना जो स्किल है उसको बेस्ट करना है, कुछ भी आपकी स्किल हो, कुछ भी आप जो बेस्ट कर सकते हो, बस अपने स्किल को बढ़ाइए, और सबसे बढ़िया तरीका है कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। सर इसमें मोनेटाइजेशन आप खुद ही हो, क्योंकि आप पहले दिन से ही कमा सकते हो अगर आप स्किल जानते हो,
स्किल इम्पोर्टेंट है बस इसमें। अब YouTube में क्या है कि देखो सर, ऐसा है कि YouTube में 100 लोग काम करते हैं तो उसमें से सिर्फ 100 सक्सेस होते हैं, ये है जो हमें YouTube पे दिखते हैं, और जो बाकी के 90 या 900 लोग हैं, मान लो अगर 1000 में से 100 सक्सेस हुए हैं तो 900 लोग जो वो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, जो हमें दिखते नहीं है, और हम यही सोचते हैं कि सब सक्सेसफुल हो रहे हैं YouTube पे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको समझना पड़ता है कि आपके अंदर क्या खूबी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो, चाहे वो YouTube हो चाहे वो कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई YouTube पे ही सफल हो जाए, हर कोई फ्रीलांसिंग पे सफल हो जाए, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हर एक अंदर, हर बंदे के अंदर एक अपना अपना गुण होता है, उसकी किस्मत लिखी होती है, जहां चाहे अगर मेहनत करे तो वो सफल हो सकता है। ठीक, अब देखिए YouTube की खासियत क्या है कि यहां पर आपको खुद से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। अब जैसे अमित बढ़ाना है तो अमित बढ़ाना को खुद से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी लोग देखेंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है कि जहां पर आप काम ना करते हो, दूसरों से भी करवा लेते हो, तब भी आपको पैसे मिलेंगे। पैसे पे कोई डिपेंड है, मतलब कोई दाग नहीं लगेगा पैसे पे। लेकिन यूट्यूब पे आपका चैनल है तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो में आपका फेस दिखना रहना चाहिए। और जैसे कि अभी मैं मान लो मेरा भी YouTube चैनल है, बट मैं उसको ऐसा सिर्फ यू नो इन्फॉर्मेशन दे, हाँ चलो 10 लोग भी देख ले ठीक है, क्योंकि अभी मैं रशिया हूँ, मैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसको रशिया आना है उसके लिए इन्फॉर्मेटिव है, ये नहीं कि ग्रो इसी पे डिपेंड हो गया और बस हाँ कि भाई वेट करूंगा कि कब वो ग्रो होगा और कब मैं पैसे कमाऊंगा। अगर ऐसे करने लगता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, उसी गाँव में बैठा रहता, क्योंकि चैनल तो ग्रो हुआ नहीं। सही बात है। तो अभी आपके पिताजी आपसे, मतलब कि इनका रिलेशन कैसा है, अच्छा है कि नहीं? सर अगर मैं सच बात बोलूं तो अभी भी मेरा रिलेशन खराब ही है घर वालों, मतलब पापा के साथ, तो अभी तक बेहतर नहीं बना है, तो वो मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा, तो वो पता नहीं कितना टाइम लगे भगवान जाने। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पैसे को ही नहीं है, उसके बाद भी बहुत झगड़े हुए हमारे घर में जो कि वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो वो झगड़े का सलूशन अभी तक नहीं हुआ, कभी कभी पैसा भी उसको सॉल्व नहीं कर पाता, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने अभी रूस में ही शादी कर लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी चलती है कि मैं अपना जो स्टोरीज है वो अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी डालता हूँ, ताकि एज यू नो एज अ मेमोरी रहे। और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि YouTube पे आते हो तो ऐसा यू नो फन फैक्ट लेके आओ, अगर आप सिर्फ पैसे की नज़र से आओगे तो आप हो सकता है धोखा भी खा लोगे और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। तो YouTube ऐसा फन लो, अपना टैलेंट दिखाओ, ग्रो हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत चीज़ है दुनिया में करने को जहाँ पर आप इससे भी ज़्यादा ग्रो हो सकते हो। सही बात है। देखिए इनके चैनल का लिंक और इनके इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। और पैसा देखिए, ये यूट्यूबर से नहीं है कि भैया यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, ये ब्लॉगर हैं भैया, ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहे हैं। आई होप आप सभी को बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बाकी जो भी डाउट रहा होगा आपका क्लियर हो गया होगा फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आप इनसे पूछकर आपको बता दूंगा। ठीक, बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।